हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करेंगे बैड गर्ल्स मूवी को, जिसे 1994 में रिलीज किया गया था, जिसे डायरेक्ट किया था जोनाथन कपलन ने। और बात करें इसके IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 5.2 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम चार लड़कियों को देखते हैं, जिनका नाम कोडी, अनीता, लीली और एलिन होता है। ये चारों वैश्यालय में एक साथ धंधा करती हैं। बाहर हम देखते हैं कुछ लोग वैश्याओं के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। एक ओल्ड मैन अनीता के साथ ज़बरदस्ती किस करना चाहता है, लेकिन अनीता किसी भी क्लाइंट को किस नहीं करती। वो ओल्ड मैन उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। अनीता भागकर बाहर आ जाती है और कोडी से कहती है, ये ओल्ड मैन उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। वो ओल्ड मैन फिर कोडी को भी गाली देता है। कोडी उस ओल्ड मैन से अनीता को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो ओल्ड मैन डराने के लिए अपनी गन निकाल लेता है। कोडी भी अपनी गन निकाल कर उसे शूट कर देती है, जिसके लिए कोडी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फिर उस टाउन का प्रीस्ट कोडी को बहुत सारी बददुआएं देता है, जैसे उसने यहाँ काफ़ी सारे लोगों को बीमारियाँ दी हैं फिजिकल रिलेशन बनाकर। वो और भी बहुत कुछ कहता है। इसके बाद सभी आंखें बंद करके प्रे करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ अनीता घोड़े पर सवार लेली और एलिन के साथ आती है और कोडी को छुड़ाकर ले जाती है। फिर वो लोग एक जंगल में आकर रुकते हैं, जहाँ पर अनीता के हस्बैंड की कब्र होती है। वहाँ वो कहती है, मैं किसी दूसरे आदमी को अपने होठों पर किस नहीं दे सकती, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं, जो ओल्ड मैन मरा था, उसकी वाइफ ने जासूसों को उन लड़कियों को ढूंढकर मारने का काम सौंप दिया है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं, वो लड़कियां जंगल में ही रुककर डिनर करती हैं और अनीता वहां पर बताती है, मरने से पहले उसके हस्बैंड ने उसके लिए ज़मीन छोड़ दी थी उसके फ्यूचर के लिए। अनीता वहीं पर बिजनेस करने का आइडिया तीनों के साथ शेयर करती है। तब कोडी कहती है, हमें बिजनेस करने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। फिर वो कहती है, मैंने कुछ सेविंग्स की हैं, जिससे हम अपने बिजनेस को ओपन कर सकते हैं। दूसरी तरफ जासूस उन लड़कियों का पीछा कर रहे होते हैं। वो उन लोगों को ढूंढते हुए अनीता के हस्बैंड की कब्र तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, सभी लड़कियां तालाब में नहा रही हैं और कोई आदमी उन्हें छुपकर देख रहा था। फिर कोडी अपनी गन लेकर उस आदमी के सामने पहुंच जाती है। वो आदमी अपना नाम मैकवाय बताता है। फिर वो आदमी कोडी को एक पोस्टर दिखाता है, जिसमें लिखा था, कोडी को पकड़ने वाले को मनचाहा इनाम दिया जाएगा। कोडी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो कहता है, मैं चला जाऊँगा, पहले आप कपड़े पहन लीजिए। वो आदमी उन्हें यह भी बता कर जाता है कि जासूस उन्हें ढूंढ रहे हैं। फिर कोडी सभी लड़कियों से उस जगह को छोड़ने के लिए कहती है और फिर वो उस बैंक में जाते हैं, जहाँ पर कोडी का बैंक अकाउंट होता है। फिर वहाँ पर एलिन एक आदमी के साथ फ्लर्ट करती है और उससे पूछती है, डिनर करने के लिए अच्छी जगह कहाँ मिलेगी। वो आदमी उसे अपने साथ सोने के लिए कहता है। एलिन मन जाती है, लेकिन लिली कहती है, तुम्हें दोबारा वैश्या बनने की ज़रूरत नहीं है इस बूढ़े आदमी के लिए। वो दोनों को गाली देकर वहाँ से चला जाता है। फिर एलिन लिली पर गुस्सा करती है। वो कहती है, मैं सिर्फ उसे पटा रही थी ताकि हमें कुछ खाने को मिल जाए। कोडी जैसे ही अपना खाता बंद करके पैसे निकालने की कोशिश करती है, जासूस उसे पकड़ लेते हैं और उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर डाकू भी आ जाते हैं और जासूसों को गन पॉइंट पर रखकर कोडी को छोड़ने के लिए कहते हैं। डाकू कोई और नहीं, कोडी का पुराना आशिक किड है। वो उसे बचा लेता है और मैनेजर से उसके पैसे देने के लिए कहता है। फिर उसके साथ ही पूरा बैंक लूट लेते हैं और भागने लगते हैं। वो कोडी के भी पैसे ले लेता है और उसे कहता है, तुम्हें पता है मैं कहाँ मिलूंगा। भागने के दौरान पिंकटन जासूस एलिन को पकड़ लेते हैं और विलियम नाम के आदमी से उसे जेल में बंद करने के लिए कहते हैं। फिर पिंकटन सभी लोगों से पूछता है, डाकू किस किस का पैसा लूट कर ले गए हैं। सभी लोग अपना हाथ उठा देते हैं। पिंकटन कहता है, उन डाकुओं को नदी करने से पहले पकड़ना होगा। दूसरी तरफ एलिन खुद को छोड़ने के लिए विलियम को पटा रही होती है, लेकिन विलियम की हवस नहीं जागती। विलियम उसे बताता है, वो सर्कल टीम में रहता है। दूसरी तरफ पिंकटन उन डाकुओं को पकड़ने के लिए नदी के पास पहुंचते हैं, लेकिन नदी के आगे नहीं जाते क्योंकि उस तरफ उनका कानून लागू नहीं होता। दूसरी तरफ कोडी किट से मिलने के लिए जाती है। किट उसे पैसे लौटा देता है और किट से हमें पता चलता है, कोडी उसे बिना बताए छोड़कर चली गई थी जब वो रिलेशनशिप में थे। इस तरह से छोड़कर जाने के लिए किट उसे बुरी तरह मारता है। इसके बाद हम देखते हैं, एलिन को जेल से बाहर निकालने के लिए अनीता और लिली शहर लौटते हैं। मैकवाय को कोडी बेहोशी की हालत में जंगल में मिलती है। मैकवाय उसका इलाज कराने के लिए शहर लेकर आता है और पिंकटन जासूसों को $500 के बदले कोडी और किट के खिलाफ गलत इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे वो उन्हें बाहर ना ढूंढ सके। अगले सीन में हम देखते हैं, लिली और अनीता एलिन को छुड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर लिली अपने हुस्न के जाल में पुलिस को फंसाने लगती है और एलिन विलियम को, विलियम उसे वहां से छुड़ा लेता है। फिर एलिन विलियम को जेल के अंदर बंद कर देती है और उससे कहती है, अगर कोई तुमसे पूछे, तुम कहना मैंने तुम्हें गन पॉइंट पर रखकर अंदर बंद कर दिया।
फिर रास्ते में उन तीनों को कोडी का घोड़ा दिखता है। इसके बाद हम देखते हैं जो बंदी कोडी का इलाज कर रही होती है वो मैकवा को कोडी का हस्बैंड समझती है। फिर मैकवा कोडी को बताता है कि किट के फादर ने उसके फादर का मर्डर किया था और उसकी मॉम का रेप, इसलिए वो किट के फादर को मारना चाहता है। फिर अनीता अंदर आ जाती है और कोडी उसे बताती है कि वो अपना पैसा किट से नहीं ला पाई। फिर लिली और एलिन विलियम के घर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ किट आर्मी को लूटने का प्लान बना रहा होता है जिससे उसे हथियार मिल सके। जब विलियम घर पहुंचता है तो उसका मूड खराब होता है। लिली उससे कहती है हमें यहाँ रहने दो, क्या पता तुम्हें मेरी फ्रेंड के साथ सोने को मिल जाए। फिर वहाँ मैकवा भी आ जाता है। उन सबको देखकर विलियम की और सुलग जाती है। फिर बाहर जाकर वो अपना गुस्सा निकालता है। कुछ टाइम बाद वो शांत हो जाता है और बताता है वो यहाँ तब से अकेला रह रहा है जब उसके पेरेंट्स मर गए थे और आज उन सबको यहाँ देखकर उसे अच्छा लग रहा है। वो रात में मिलकर एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ किट आर्मी को लूट कर उनके हथियार चुरा लेता है और कोडी किट से बदला लेने के लिए उसकी जासूसी कर रही होती है। फिर कोडी और उसकी टीम मिलकर उन पर हमला कर देती है। फिर विलियम के हाथ में गोली लग जाती है और अनीता बग्गी के साथ गन को ले जाती है। फिर मैकवा किट के फादर पर गोली चला देता है। कोडी लिली को भागने का इशारा करती है। फिर किट की नजर उस पर पड़ जाती है और वो लिली को किडनैप कर लेता है। मैकवा किट के फादर को बताता है उसने उसके फादर की हत्या की थी। मैकवा उसे मारने ही वाला था तभी कोडी आकर उसे बचा लेती है और उससे कहती है किट ने लिली का किडनैप कर लिया है और हम इसके बदले लिली का सौदा करेंगे। किट भी यही सोचता है। फिर अनीता इन सब चीजों से बहुत परेशान हो जाती है और कोडी को इन सब का जिम्मेदार मानती है। फिर किट का फादर अनीता से पानी मांगने के बहाने बात करता है और कहता है मुझे पता है तुम्हारे पास जमीन है, मुझे कोडी ने तुम्हारे प्लान के बारे में बता दिया है और कहता है उसने आज तक नहीं सुना किसी सिंगल लेडी को अपने मरे हुए पति की जमीन मिली हो। अनीता कहती है तुमने नहीं सुना, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं होता। ये सब सुनकर अनीता थोड़ी परेशान हो जाती है। फिर वो वहां से चली जाती है। फिर वो एक वकील के पास जाती है और उसे पता चलता है उस जमीन का दावा सिर्फ उसके पति के हाथ में था। एक औरत होने के नाते वो जमीन पर अपना दावा नहीं कर सकती। ये सुनकर अनीता कहती है जब वो शादीशुदा थी तब भी किसी काम की नहीं थी और अब वो विधवा है तब भी किसी काम की नहीं है, लेकिन जब वो बैश्या थी तब उसकी थोड़ी बहुत वैल्यू थी। वो गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। तब वकील कहता है तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे सलाह लेने के लिए और वो उसके ऊपर पैसे फेंक देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं किट का फादर मैकवा से उसकी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। मैकवा गुस्से में उसे गोली मार देता है और कोडी से कहता है ये भागने की कोशिश कर रहा था इसलिए मैंने उसे गोली मार दी, लेकिन कोडी समझ जाती है मैकवा झूठ बोल रहा है और कहती है अब लिली का सौदा नहीं कर पाएंगे और मैकवा से वहां से जाने के लिए कहती है। फिर अनीता वापस आकर उन्हें बताती है कि अब वो उस जमीन पर दावा नहीं कर सकती क्योंकि उसका पति जिंदा नहीं है, जिसे सुनकर एलेन उसे गन पकड़ा देती है और अनीता समझ जाती है कि अब उनके पास एक ही काम बचा है, लिली को छुड़वाने का। इसके बाद हम देखते हैं किड अपने डाकू दोस्तों से लिली का इंट्रोडक्शन करवाता है और एक डाकू से कोडी का ड्रेस लाने को कहता है जो उसके पास पहले से रखी हुई थी। फिर उसे कपड़े उतारने को कहता है और उसे अंदर ले जाता है। उसके दोस्त चिल्लाते हैं कि हमें भी देखने दो। वो लिली से उस ड्रेस को पहनने को कहता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लिली उसके मुंह पर थूक देती है। फिर रात में एक डाकू आकर लिली का रेप करने की कोशिश करता है। लिली कहती है पहले मुझे मार दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है कर सकते हो। तभी वहां मैकवा आ जाता है। दूसरी तरफ कोडी और उसकी टीम भी निकलती है। उन्हें पता चलता है किड ने मैकवा को किडनैप कर लिया है। फिर वो किड के ठिकाने की तरफ निकलते हैं और मैकवा के बदले गन का सौदा करते हैं। किड मान जाता है लेकिन लूट का सामान मिलते ही मैकवा को गोली मार देता है और कोडी को हार्टलेस वैश्या कहता है। फिर वो कोडी का पैसा उसे वापस कर देता है। यहाँ पर किड भी इमोशनल हो जाता है और कोडी से कहता है अपने पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ, जिससे हमें पता चलता है किड कोडी से बहुत प्यार करता था। फिर जब वो लोग वहां से जाते होते हैं तब लिली का रेप करने वाला डाकू उससे कहता है मजे देने के लिए हमेशा आती रहना, जिसे सुनकर लिली उसे गोली मार देती है, जिससे शूट आउट स्टार्ट हो जाता है और किड के पूरे ग्रुप का सफाया हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद एलिन विलियम से शादी कर लेती है। फिर लिली, अनीता और कोडी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो पिंगटन जासूस से आगे निकल जाती हैं जो उन्हें देख नहीं पाते। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।